नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी केजरीवाल के दिए इस्तीफे के ऐलान की, कर्नाटक में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भड़की हिंसा की और मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान की। साथ ही आज की उन सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल 11 बजे होगी आप विधायक दल की बैठक, नए सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलेंगे, वो उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। पीएम मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का किया उद्घाटन, गुजरात सीएम भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। जिंदगी की जंग हार गई कानपुर की गैंगरेप पीड़िता, 16 दिन अस्पताल में रही भर्ती। यूपी के कानपुर में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। 16 दिन तक उसका अस्पताल में इलाज चलता रहा, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। 4 युवकों ने उसे घर से खींचकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को दूंगा 11 लाख का इनाम, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का आया विवादित बयान। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक विवादित ऐलान किया। गायकवाड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख के इनाम देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने देश की पहले वंदे मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, कई वंदे भारत ट्रेनों की भी हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज से अहमदाबाद तक देश की पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। वंदे मेट्रो को नमो भारत रैपिड रेल भी नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने आज के कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहे। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोगों पर भूत इस कदर सवार है कि वो अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें वीडियो बनाते वक्त लोगों की जान तक चली गई। कभी तमंचे के साथ वीडियो बनाने पर गोली चल गई, तो कभी रेलवे लाइन पर वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की की जान जाते जाते बच गई। जी हाँ, पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का है, जहाँ एक लड़की रील बनाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं ये घटना कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए ये वीडियो। जाहिर है ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस युवती का इसी तरह के जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाने का कारनामा सामने आता रहा है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के माध्यम से लोग युवती को फेमस होने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में बात करेंगे अपनी पहली खबर के बारे में। दिल्ली आबकारी नीति मामले में करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान से पूरी सियासत में बवाल मचा दिया है। जी हां, सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सही सुना आपने, केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन बाद में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। जब तक जनता मुझे दोबारा सीट पर नहीं भेज देती, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। देखा जाए तो ये फैसला भले ही सभी को सरप्राइज लग रहा हो, लेकिन उनकी ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। केजरीवाल ने एक इस्तीफे से कई सियासी निशाना साधने का बड़ा दांव चला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफे की घोषणा की है,
उसके बाद से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने रविवार को पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वह अगले दो दिन में दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद से कयासों और सवालों का एक दौर सा चल पड़ा है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने इस्तीफा तुरंत क्यों नहीं दिया, इसके लिए दो दिन का वक्त क्यों लिया, विधानसभा क्यों नहीं भंग की, ऐसे तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग खुद को ईमानदार बताते रहे हैं। ऐसे में दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर बीजेपी नेता लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर सवालिया निशान खड़े कर रही थी और केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी। अब जब इस मामले में ईडी सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से ज्यादातर को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने की कवायद में है कि शराब नीति से जुड़े मामले में कई झोल हैं और इस केस में नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास मेरी ईमानदारी के अलावा कुछ और नहीं है, मेरे बैंक खाते खाली हैं, मैं आयकर विभाग के कमिश्नर की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में रहा था, मेरे अंदर देश की सेवा करने का जुनून था, मुझे ना पद का लालच है और ना ही दौलत का लालच है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में कराने के बजाय इसी साल नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही कराया जाए। जाहिर है आम आदमी पार्टी को अपना फायदा होने की उम्मीद दिख रही है। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी अब तक चुनाव तक कोई पद ना लेने का निर्णय लिया है। इस तरह बीजेपी को भी अब नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी तक 2025 के लिहाज से चुनाव की प्लानिंग कर रही थी। केजरीवाल अब महाराष्ट्र और झारखंड की सियासी तपिश के साथ दिल्ली का चुनाव करा लेना चाहते हैं, ताकि बीजेपी महाराष्ट्र जैसे राज्य में उलझी रहेगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उस तरह का फोकस नहीं कर सकेगी। इसका सियासी फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। केजरीवाल को ये लग रहा है कि उनके इस इस्तीफे से जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिसका दूरगामी लाभ उन्हें और आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये फैसला उनके लिए सियासी नैरेटिव सेट कर पाएगा या नहीं। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कर्नाटक के शहर मंगलुरु में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हिंसा भड़क गई। हिंसा सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश वायरल होने के बाद भड़की। ऑडियो संदेश के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भड़क गए और अपना आक्रोश दर्ज कराने के लिए उन्होंने सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय के लोग सोमवार को ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मना रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा था कि अगर रोक सकते हो तो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को रोक कर दिखाओ। साथ ही कहा गया था कि हम ईद मिलादुन्नबी की यात्रा निकालेंगे। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भड़क गए। जानकारी के मुताबिक ये संदेश नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष ने जारी किया था, जिसके बाद बीसी रोड पर बवाल देखा गया। जाहिर है गणेश चतुर्थी के अवसर पर बद्री कोप्पल में गणेश प्रतिमा को भव्य तरीके से निकाला गया था। इस दौरान मैसूर रोड पर दरगाह के पास लोगों पर पथराव हुआ। इसका आरोप मुस्लिम युवकों पर लगाया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये घटना उस वक्त हुई जब गणपति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान मुस्लिम युवकों ने पथराव किया। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव के बाद सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर ये जानकारी सामने आई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका जिक्र किया था और वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर कार्य किया जाएगा। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी से आगे आने की अपील की थी। अब सूत्रों ने बताया है कि एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में इससे जुड़ा बिल लाना चाहती है। सरकार को इस बिल पर न सिर्फ सहयोगियों बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मिलने की भी उम्मीद है। देखा जाए तो एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे। इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा, यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। अहमदाबाद से भुज के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम उद्घाटन से ठीक पहले बदल दिया गया। ये ट्रेन अब नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जानी जाएगी। वहीं यूपी के प्रयागराज में एक शादीशुदा महिला की होटल में गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी के प्रेमी पर लगा है। हत्या करने के बाद खुद प्रेमी ने ही थाने पहुंचकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो गई है। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश शासन को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है जिसमें मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुजरात को 8000 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से सोमवार को बातचीत की। ये तो थी वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई है, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा से वापस आ गए हैं और उनकी इस यात्रा पर दिए गए बयानों की खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता के रूप में अपनी इस पहली विदेश यात्रा में उन्होंने कई बयान दिए जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप। देखा जाए तो जब भी राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की बात आती है तो विदेशी दौरों पर जाकर ऐसे बयान दे देते हैं जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को 240 सीटें भी नहीं मिलती। राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो विदेशी धरती पर कदम रखते ही वो इस तरह के बयान देने लगते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसे में उन्हें अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें अपने ही बयानों पर ध्यान देना जरूरी है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता।